नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। घूस लेते रंगे हाथ दबोचे गए बेंगाबाद थाना के एएसआई। केस डायरी मजबूत बनाने के नाम से मांग रहे थे रिश्वत। धनबाद एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। मुखिया समेत 11 साइबर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। एसपी सुरेंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शास्त्री नगर तालाब भराई की जांच हुई शुरू। सीओ ने शास्त्री नगर पहुंचकर तालाब पर किए गए अतिक्रमण का किया निरीक्षण। और नगर निगम ने छापेमारी अभियान चलाकर प्लास्टिक किया जब्त। 20 क्विंटल प्लास्टिक हुआ बरामद। प्लास्टिक सप्लायरों पर लगाया गया जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। धनबाद एसीबी की टीम ने शुक्रवार को घूसखोर एएसआई शत्रुधन प्रसाद सिंह को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया है। बेंगाबाद थाना में पदस्थापित एएसआई ने केस डायरी मजबूत बनाने को लेकर 5000 रिश्वत की मांग की थी। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 106/20 के शिकायतकर्ता किशोर मेहता से 5000 रिश्वत लेते धनबाद एसीबी की टीम ने शुक्रवार को बेंगाबाद थाना में पदस्थापित और केस की आयु शत्रुधन प्रसाद सिंह को रंगे हाथ दबोच लिया। घूसखोर एएसआई केस डायरी मजबूत बनाने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत के बाद धनबाद एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की। एसीबी की कार्रवाई के बाद घूसखोर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस बाबत शिकायतकर्ता किशोर मेहता ने बताया कि बीते 25 मई को गांव में उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसे लेकर उन्होंने बेंगाबाद थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। लेकिन केस के आयु लगातार केस डायरी मजबूत करने के लिए रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने एसीबी से की थी। इन दिनों पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में डीएसपी संदीप सुमन समदर्सी ने 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एसपी ने दी। जिले में लॉकडाउन के दौरान एक बार फिर साइबर अपराध पनपने लगा है। वहीं लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पुलिस साइबर साथियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। डीएसपी संदीप सुमन समदर्सी ने इन दिनों साइबर अपराधियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। शुक्रवार को एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांडे थाना क्षेत्र के मरगोडी के पूर्व स्थित जुकिटियाबाद मैदान से रंगे हाथ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों का सरगना एक मुखिया भी गिरफ्तार हुआ है, जो कि साइबर अपराधियों को कमीशन पर भोले भाले ग्रामीणों का अकाउंट नंबर समेत अन्य डिटेल मुहैया करवाता था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 26 मोबाइल, 33 सिम कार्ड, 19 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में सुभाष मंडल, मंटू मंडल, मुकेश कुमार मंडल, पवन कुमार मंडल, मिनेश मंडल, संदीप कुमार मंडल, वीरेंद्र मंडल, ईश्वर साव, छोटर मंडल, संतोष मंडल, गोविंद मंडल शामिल है। के लिए भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, दो दिन पहले भी 12 साइबर क्रिमिनल की अरेस्टिंग हुई थी। आज फिर से डीएसपी साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में साइबर सेल डीएसपी के द्वारा 11 साइबर क्रिमिनल की अरेस्टिंग की गई है। और इनके पास से 26 मोबाइल, 33 सिम, 19 एटीएम कार्ड, 7 पासबुक, 5 आधार कार्ड और 4 पैन कार्ड बरामद हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि की भूमिका थी, जो कि एक सरगना के तौर पर काम करता था और यह अपने माध्यम से भोले भाले आम आदमी का अकाउंट नंबर किस तरह से लेके वो नंबर साइबर क्रिमिनल प्रोवाइड करता था और जो भी रकम आती थी वो इसमें ट्रांसफ़र करवाता था और इसके माध्यम से वो 3% कमीशन पर काम करता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आया था जिसमें हम लोग मान के चल रहे थे कि जिले में साइबर क्राइम की संख्या काफ़ी कम हो गई है, कंप्लेंट मिलना कम हो गया था, लेकिन लॉकडाउन और लॉकडाउन के जो उपरांत की परिस्थितियाँ हैं इसमें फिर से कहीं ना कहीं जिले में ये लोग ऑर्गेनाइज हो रहे थे। और इस परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल डीएसपी संदीप के द्वारा लगातार बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है और फिर से हम लोग जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस
उसके तहत आज फिर से 11 साइबर क्रिमिनल की अरेस्टिंग हुई है, जो कि बहुत बड़ी सफलता है। गिरिडीह सदर अंचल के सीओ रविंद्र कुमार शास्त्री द्वारा शास्त्री नगर स्थित तालाब और मेड़ की जमीन की मापी की गई। इस संबंध में बताया जा रहा है कि लोगों द्वारा आवेदन दिया गया था कि यह जमीन गैर मचरुआ है और उक्त जमीन को भूमाफियाओं द्वारा खरीद बिक्री की जा रही है। शुक्रवार को गिरिडीह सदर अंचल के सीओ ने शास्त्री नगर स्थित तालाब और मेड़ की जमीन की मापी की। बताया जाता है कि शास्त्री नगर में मौजा भंडारेडी खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 513-514 जो खतियान में दर्ज है, इसका रकबा 1 एकड़ 53 डिसमिल है। यह जमीन गैर मजरुआ खास है। यहां की जनता द्वारा आवेदन दिया गया था कि उक्त जमीन का भूमाफियाओं द्वारा खरीद बिक्री की जा रही है। इसी के आलोक में उन्होंने बताया कि जांच चल रही है और जिन लोगों ने उक्त जमीन का अतिक्रमण किया है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौजा भंडारेडी है, इसमें खाता 1 प्लॉट नंबर 153 और प्लॉट नंबर 513-514 1 एकड़ 53 डिसमिल रकबा इसका है। ये खतियान में गर्मजरुआ खास है और तालाब और बांध है, दर्ज पिंड दर्ज है। इसमें एक कंप्लेन आया पब्लिक की तरफ से कि लोगों ने इसको तालाब भर करके और उसे बिक्री कर रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट भी लोग कर लिए हैं। अब इसका जांच का विषय है, अभी जांच कर रहे हैं इसकी, कौन कौन अभी हम नापी करवा रहे हैं तालाब का, इसमें कौन कौन आदमी हैं उनसे बयान लिया जाएगा, कौन कौन है उसका राजस्व का भी जांच करेंगे किसके नाम पर क्या है किसी पर। आज इसमें क्या किया जाए, आज इसमें इस बांध का सीमांकन करवा रहे हैं, सीमांकन करके चिन्हित कर देंगे तालाब और इसका पिंड कहाँ पर है। उसके बाद जो इसमें संबंधित होंगे उनको नोटिस करके कागज मांगेंगे, ये कैसे हो इसको भरे हैं या बिक्री किए हैं या खरीदे हैं, कागज मांग कर उस पर कार्रवाई करेंगे जो नियम। नगर आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को शहर में प्लास्टिक छापामारी अभियान चलाया गया। इसी के तहत गद्दी मोहल्ला के 3 दुकानों में 20 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया गया। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को शहर में प्लास्टिक छापामारी अभियान चलाया गया। नगर आयुक्त के द्वारा गठित टीम जिसमें प्रशिक्षु IAS रियाज अहमद, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर राजन सिंह, बेंसन रिचर्ड कंडूला, राजेश अग्रवाल, रोहित सिंह, आकाश सिंह, बलबीर कुमार ने गद्दी मोहल्ला के 3 दुकानों में 20 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया। उन दुकानदारों को फाइन कर चेतावनी देते हुए छोड़ा गया है। इस छापेमारी अभियान में नगर थाना के SI गौरव कुमार, रविंद्र सिंह, महिला पुलिस सहित पुलिस दल मौजूद थे। ये तो लगता है सटरवा खुल गए। बाबा का नाम क्या है? बरसात का सीजन स्टार्ट हो रहा है, इसमें हमको देखा गया है कि हर नाली में हमको बहुत सारा प्लास्टिक मिला गया है। और जब बहुत दिनों से निगम के क्षेत्र में प्लास्टिक पे हमने बंदी कर रखी है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 भी कहता है कि आपको सिंगल यूज प्लास्टिक 50 माइक्रोन में इसका नहीं बेचना है आपको, तो उसके इसमें हमने आज कुछ जगह पर रेड किया है, 3 जगह पर हमने रेड किया है अभी गद्दी मोहल्ला में, और पाया गया है कि बहुत सारा प्लास्टिक हमको यहाँ पर मिला है। वैसे शॉप वाला भी कॉपरेट नहीं कर रहा था, इसलिए हमको पुलिस को बुला के सब शॉप वाला पड़ा, तब जाके हमको एक्शन मिली है। अभी फिलहाल तो हम कोई इसको शॉप को सील नहीं करने जा रहे, पर ये इनके लिए वार्निंग है कि अगर इसके बाद वापस से मिलता है तो हम इनके शॉप ज़रूर सील करेंगे। अभी फिलहाल फाइन और उनका जितना भी सामान है हम लोग। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराकर पुल के समीप शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान कर्णपुरा निवासी विजय रवानी के रूप में की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराकर पुल के समीप शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान पिरटार थाना क्षेत्र के कर्णपुरा निवासी विजय रवानी, जिसकी उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है, उसके रूप में की गई है। शुक्रवार को दोपहर में मृतक विजय रवानी अपने वाहन का टैक्स कटवाकर सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल से गिरिडीह से वापस अपने घर लौट रहा था।
उनके साथ कठवारा निवासी बीरबल रजवार भी मोटरसाइकिल में सवार थे। इसी बीच डुमरी की ओर से आ रहे मालवाहक वाहन ने विपरीत दिशा में जाकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने शराब के नशे में धुत वाहन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कहां से आ रहे थे? गिरिडीह से जा रहे थे। किस चीज से थे? बाइक से। कैसे धक्का लगा? शराब पी के चला रहा था गाड़ी ड्राइवर, एकदम पूरा रॉन्ग साइड में जाके मारा है, कच्ची में उतर के। कितने लोग सवार थे बाइक पे? बाइक में दो आदमी सवार। तिसरी थाना क्षेत्र के बरवाड़ी में पुराने जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष के आवेदन पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है, वहीं 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तीसरी थाना क्षेत्र के बरवाड़ी गांव में पुराने जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 50 वर्षीय रामधनी महतो की मौत हो गई जबकि मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्ष के आवेदन पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जाता है कि दोनों पक्ष गोतिया हैं और इनका पुराना जमीन विवाद चल रहा था। तीसरी थाना प्रभारी उत्तम कुमार उपाध्याय ने घायलों के फर्द बयान के आधार पर 7 लोगों पर कार्ड संख्या 50/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सोना महतो, चमारी यादव, मनोज यादव को गिरफ्तार किया है। दूसरे पक्ष के आवेदन पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। क्या हुआ था? उसको टांगे से मार दिया गया। तो विवाद क्या चीज का हुआ? विवाद हल्का हल्का जमीन का विवाद है। कब से चल रहा है? ये 20 बरस से ही चल रहा है। उतना दिन से चलते चलते इतना दिन बचते आए, आज नहीं बच पाए। कल जो लिखा हुआ था वो क्या हुआ भाई? हम गाय चरा करके आए, बांधने लगे, तब तक ये गया छोटका चचा को मतलब साइड करने के लिए, और उधर से आया और बस से का जानता है हाँ, सोना यादव, रामी यादव, जगेश्वर यादव, मनोज यादव, महेश यादव, ये सब मिल करके ही काम किया। बुलाकी रोड स्थित इंडिया प्लाईवुड शोरूम का रीओपनिंग किया गया, इस मौके पर कई गणमान्य मौजूद थे। शहरी क्षेत्र के बुलाकी रोड स्थित इंडिया प्लाईवुड शोरूम का रीओपनिंग शुक्रवार को समारोह पूर्वक हुआ। इस मौके पर शोरूम को आकर्षक रूप से सजाया गया था। शोरूम के रीओपनिंग में आए वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर, मोहम्मद नवाब, मोहम्मद आतिफ, शमशेर आलम ने शोरूम संचालक तनवीर हसन को बधाई दी और शोरूम को बढ़िया से चलाने के लिए शुभकामनाएं भी दी। ये अपने दुकान का इन्होंने इसको रीओपनिंग किया है और बहुत ही मेहनत के साथ इन लोगों ने अपने इस दुकान को और लोगों की सुविधा को ख्याल रखते हुए तमाम जो चीज़ों के लिए लोगों को यहाँ से धनबाद और दूसरी जगह जाया जाता था, अब ये तमाम क्वालिटी यहाँ पे इन लोग मौजूद है और मुनासिब दाम पे है और इसे यहाँ के लोगों को बहुत फायदा है। इंडिया प्लाईवुड है की दुकान है, ये पहले रीओपनिंग करके अभी दोबारा जो है नया बनाया गया है और इसमें पहले से भी और भी बहुत सारी सुविधा जो है इसमें दी गई है और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी है यहाँ पे है और फ्री होम डिलीवरी का भी सुविधा है, जो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर प्लाई हो गया और बहुत सारे जो आपका मेटल गुड्स जो है वो सारे सामान है यहाँ पर आइए। बुलाकी रोड DAV स्कूल के जस्ट सामने में है। वहीं इस मौके पर शोरूम संचालक तनवीर हसन ने कहा कि शोरूम में सभी कंपनियों के प्लाईवुड समेत हार्डवेयर के सामान भी उपलब्ध हैं। प्लाईवुड स्टेशन रोड नियर DAV स्कूल, हमारे यहाँ सभी तरह के प्लाई उपलब्ध हैं, हार्डवेयर, एसेसरीज, चारकोल, लेमिनेट्स, आपको उचित दामों में उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 स्थित बजरंग चौक बरमसिया में आम रास्ता पर अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा है। स्थानीय लोग CO से लेकर सभी जगह मामले का संज्ञान करवा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 स्थित बजरंग चौक बरमसिया में बलपूर्वक एक व्यक्ति द्वारा आम रास्ता पर अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा है, जिससे रास्ता संकीर्ण हो गया है और स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मोहल्ले के वैद्यनाथ पंडित, शंकर साव, विजय प्रजापति, अजय प्रजापति ने मामले को लेकर उपायुक्त से लेकर अंचलाधिकारी तक को आवेदन देकर मामले का संज्ञान दिलवाया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि आम रास्ता गैर मजरुआ खास किस्म की है,
जिस पर मोहल्ले का एक व्यक्ति जबरन घर बना रहा है। स्थानीय स्तर पर रोक टोक करने पर मारपीट और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है, जबकि इस अतिक्रमण के खिलाफ गिरिडीह सीओ को कई बार आवेदन दिया गया लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आनंद सीमेंट के सामने से जो आम सार्वजनिक गली रास्ता जो कि 12 से 14 फीट तक है उसे नाजायज रूप से कोरोना में धीरे धीरे कब्जा किया गया है और इसमें कुछ लोग अगल बगल के भी साथ दिए हैं और ये लोग बिना पेपर के मकान बजबस्ती बनाया जा रहा है जिसके पास का कोई कागज़ नहीं है। इनका देखा देखी जो भी पुराने में विवादित था जो कि उनका ज़मीन नहीं है वो भी बना रहे हैं। ये मकान मूल रूप से शिवशंकर पंडित और उनके पुत्र के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ में भी अशोक प्रजापति भी लग गए हैं जो कि बिल्कुल इन लोग पास कोई पेपर नहीं है और ये नाजायज रूप से अवैध कब्जा करके ये बनाया जा रहा है। इसकी कागज़ की देख रेख हमने नगर निगम में विधायक जी और उसके बाद थाना में भी आवेदन दिया है, एक दो बार आए भी हैं लेकिन सीओ के पास कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता है, कागज़ का कोई रकबा नहीं है, ना तो खतियान है और सबसे बड़ी बात है बिना नक्शा पास किए हुए इनके पास कोई चौहद्दी नहीं है और ये मकान का नाजायज कब्जा करा रहे हैं। नगर निगम में हमने 5 बार अप्लीकेशन दिया, कहीं भी नक्शा या कोई तरह का पास नहीं है और ना रसीद है और ये लोग अपने से मकान का बना रहे हैं नगर निगम का अनदेखी करते हुए। बजरंग चौक पर मसिया स्थित जो है तो आनंद सीमेंट हाउस के सामने ये सार्वजनिक आम रास्ते के ऊपर मकान बनाया जा रहा है और इसको रोकने के लिए हम लोगों ने DC, SDO, नगर निगम, अंचलाधिकारी, विधायक, सांसद सबों को लिखा है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। नगर निगम के द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद भी ये कोरोना संक्रमण के काल में इस अवैध निर्माण को जो है सो पूरा किया जा रहा है और ज़बरदस्ती जबरन जो है सो बनाया जा रहा है। साथ ही साथ अशोक प्रजापति के द्वारा भी जो है वो उसका बहुत पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसके पीछे भी जो है सो उन्होंने अतिक्रमण किया है और उसकी जितनी ज़मीन उसको जो मिली थी हिस्से में उस ज़मीन से बढ़ करके उसने 10 फीट जो है सो आगे बढ़ करके जो है सो काम कराया है। उसमें पिछले बार हाथ पैर जोड़ करके जो है सो घर को पूरा ऊपर से नीचे तक तोड़ करके जो है सो किया था, अभी फिर वो जो है सो जो पेंडिंग उसका जो पड़ा हुआ था उसको इसको देखा देखी उसने भी बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से दोनों ओर से मकान बनाए जाने से हम लोगों का आने जाने का रास्ता जो है सो पूरी तरह से बाधित हो रहा है और इसको लेकर के हम लोग जो है सो हर मौके जगह पर जो है सो आवेदन दिए हुए भी और कार्रवाई के लिए हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कुछ अलग ढंग से मनाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व मास्क पहनकर इस बार योग दिवस मनाया जाएगा। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पतंजलि योगपीठ हरिद्वार राज्य कार्यालय रांची के निर्देशानुसार इस बार COVID-19 महामारी को देखते हुए योग दिवस की तैयारी कुछ अलग ढंग से की गई है। इस बार ज्यादा भीड़भाड़ न करते हुए छोटे छोटे खंडों में योग दिवस मनाने पर विचार किया गया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व मास्क पहनकर योग दिवस मनाया जाएगा। जो लोग उक्त स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे वे ऑनलाइन जुड़कर योग करेंगे। कुछ लोगों ने अपने घरों से ही पूरे परिवार के साथ योग करने का विचार किया है। सामूहिक रूप से खंडोली में विशिष्ट कार्यकर्ताओं के साथ योग दिवस पर योग होगा। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारी की बात है तो गिरिडीह में भी इस वर्ष भी तैयारी चल रही है। हमारी तैयारी फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से चल रही है जिसमें आयुष विभाग के द्वारा दिया गया प्रोटोकॉल का तैयारी कराया जा रहा है और छोटे छोटे खंडों में जहां हमारी योग कक्षाएं निरंतर चला करती है आज भी कुछ योग कक्षाएं हमारी निरंतर चल रही है जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन और मास्क का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो उसी अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भी छोटे छोटे खंडों में पूरे जिले स्तर पर अलग अलग प्रखंडों में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाएगा। आज योग ही एक ऐसा पथ है, रास्ता है जो हमें सारे महामारी से दूर कर सकती है। ये कोविड जैसा जो महामारी हमारे पूरे विश्व में आज तबाही करती हुई है इस तबाही से लड़ने का भी एक साधन हमारा योग है। इसको लेकर कुछ लोग खंडोली में
परसों मनाने की बात हुई है। न्यू गांधी स्टेशन पे हमारा जो स्टेशन पे रोज क्लास चलता है, वुमेंस कॉलेज में जो योग का क्लास चलता है, वहाँ अलग अलग खंडों में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। यहाँ जो लोकल स्तर पर तैयारियाँ चल रही है वो हम लोगों का गाइडलाइन प्राप्त हुई है केंद्रीय कार्यालय के द्वारा हरिद्वार से, कि छोटे छोटे स्तरों पे अपने घर से ऑनलाइन क्लास और प्रोटोकॉल का अभ्यास कराने का, तो वो सब हम लोग सभी तैयारियां शुरू कर दिए हैं, वो चल भी रहा है। अभी कोरोना महामारी का समय चल रहा है तो इस समय झारखंड सरकार का भी दिशा निर्देश है कि अपने घर पे रहकर योग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तो इसको देखते हुए हम लोग सामूहिक रूप से नहीं, अपने अपने घर पे अगर अगल बगल के लोग आ सकते हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 6-6 फीट के दूरियों को देखते हुए बनाते हुए और मास्क लगाकर करने का तैयारी चल रही है। नगर निगम द्वारा शुक्रवार को वार्ड नंबर 12 सिरसिया में कई घरों को सैनिटाइज किया गया, मौके पर कई लोगों ने सराहनीय योगदान किया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 सिरसिया में निगम के सफाई वाहन द्वारा वार्ड के आनंदपुरी, हरजन मोहल्ला, कालिका कुंज कॉलोनी समेत सिरसिया मेन रोड किनारे बसे घरों को सैनिटाइज किया गया। वार्ड पार्षद अजय रजक ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लगातार अपने वार्ड में नगर निगम के वाहन एवं अग्निशमन के द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य अपने वार्ड में किया जा रहा है। इस कार्य में वार्ड निवासी समीर सरकार, आकाश बर्मन, चुन्नू बर्णवाल, संजय बर्णवाल, चंदन रजक, नितेश राय आदि का योगदान सराहनीय रहा। आज वार्ड नंबर 12 में नगर निगम द्वारा सैनिटाइज कराया गया। इसके पूर्व में भी बड़ी गाड़ी अग्नि सेवा से कराया गया था, जहां की रोड बड़ा रोड है, जहां वो बड़ी गाड़ी जाने के लायक था वहां कराया गया था। आज छोटी गाड़ी हमको मिला है। अब मिलने के बाद आज जैसे कि आनंदपुरी है और गाँव ये हरिजन टोला है, ये सब जगह पर विभिन्न जगहों पर हमने कराया। आज जितना एक टैंक उसमें पानी रहता है 2000 लीटर का, वो ख़त्म हो गया है। हमने बात किया है, इसके बाद भी मुझे एक दिन और मिलेगा जिसमें जो जहां जहां छूटा हुआ है उसको मैं पूर्ण करने का काम करूंगा। सरिया नगर कार्यालय में अधिकारियों व बैंक कर्मियों की एक बैठक हुई। बैठक में फुटपाथी दुकानदारों को 10,000 रुपए लोन देने पर चर्चा की गई। सरिया नगर कार्यालय में नगर संचालन एवं अनुश्रवण समिति के अधिकारियों व बैंक कर्मियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नगर कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा ने की। बैठक में मुख्य रूप से बैंक ऑफ इंडिया के जिला प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। इस बैठक में पीएम स्टेट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पर चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि पूरे सरिया नगर क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदारों का सर्वे किया जा रहा है। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 का लोन दिया जाएगा, जिस पर 24% का वार्षिक ब्याज लगेगा, जिसमें 7% की रियायत दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है। बैठक में नगर प्रबंधक विशाल कुमार सिन्हा, प्रमेय मंदिलवार, बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक संतोष कांत, एक्सिस बैंक व माइक्रो फाइनेंस कंपनी के प्रबंधक उपस्थित थे। आज पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि के तहत बड़कीसरिया नगर पंचायत से संचालन अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस जिला के LDM, कुछ बैंक के प्रतिनिधि और माइक्रो फाइनेंस के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इसमें हम लोग ये निर्देश दिए गए हैं, सभी हमारे सिटी मैनेजर लोगों को निर्देश दिए हैं कि बड़कीसरिया नगर पंचायत के अंतर्गत जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं उनका सर्वे चल रहा है और जल्द से जल्द सर्वे दे करके उन लोग को हम बैंक के माध्यम से, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से 10,000 का लोन देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। माननीय सीओ साहब की अध्यक्षता में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स का एक मीटिंग आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ जितने वेंडर्स हैं, छोटे छोटे जो ठेले वाले दुकानदार, उनको लोन उपलब्ध कराने के लिए 10,000 का सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आई हुई है, उसके तहत हम लोग आज मीटिंग की है। सारे का सर्वे किया जा रहा है और सभी को लोन देने का निर्देश दिया गया है। एप्लीकेशन ब्रांचेज में जाएगा, सभी को हम लोग लोन उपलब्ध करवाएंगे। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।